लो भाई, ये पुलिस वालों से सुबह सुबह 500 रुपए का चालान करवा लिया। अपनी KTM भी चलाए करूंगा यार, बहुत दिन हो गए खड़ी हुई है। भाई साहब, चढ़ने में मुश्किल होएगी। कल उतरने में दिक्कत हुई थी, आज चढ़ने में दिक्कत हो रही है। असल में उधर की तरफ ना जगह ज्यादा दे दी थी मैंने और इधर कम दे दी थी, इसलिए चलो कोई नहीं, अब तो चढ़ ही गया। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 13 मई 2022, मैं हूँ अभी गुड़गांव में। फिलहाल हम अपनी हल्क को लेकर जा रहे हैं छोड़ने के लिए बिमरा 4x4 पे, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले सामान लगवाया था इसमें, जो आधा लग चुका था, आधा मैंने हटवा दिया था क्योंकि प्लान स्पीति का बन रहा था। स्पीति गए नहीं थे तो मैंने उनसे हटवा के ना पेमेंट तो कर दी थी, बट सामान वही रखवा दिया था। तो वही सामान वापिस लेने जाना और साथ ही साथ इनवॉइस भी लेना उसका। गर्मी बहुत हो रही है आग की तरह, दिमाग खराब हो जा रहा है। थार का जो ब्लोअर है ना, इतनी तेज आवाज करता है ना। अभी देखो ये 4 पे है, इसको अगर मैं 3 पे रखूंगा तब भी काफी आवाज है। सुनो, 2 पे भी आवाज करता है, सिर्फ 1 पे ये आवाज कम करता है, बट 1 में भाई कुछ एयर फ्लो ही नहीं आता, गाड़ी ठंडी नहीं होती। एक तो एसी वेंट भी आगे आ गया, पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको 3-4 पे तो इतनी गर्मी में चलाना ही चलाना पड़ता है। और ऐसी आवाज व्लॉगिंग में बहुत दिमाग खाती है। और यार अब तो इसने ना एवरेज देना ही बंद कर दिया, पहले तो 9-9.5 दे देती थी, मतलब 9 तो मैंने मिनिमम देखा ही देखा है इसमें, बट अब 7.5, 7.8 ऐसे दे रही है। मतलब टंकी फुल करवाओ भाई, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लो भाई, ये पुलिस वालों से सुबह सुबह 500 रुपए का चालान करवा लिया। बताता हूँ अभी क्यों करवाया। असल में सब गलती है भाई गूगल मैप की, वो था 1 वे और गूगल मैप ने दिखा दिया वहीं से रास्ता। मेरी क्या गलती थी भाई साहब, मैंने घुसा दी गूगल मैप देख के, मुड़ते ही सीधा पुलिस वाले मिल गए, कह रहे आ जाओ जी रॉन्ग साइड पे हो, चालान कटवा लो। तो 500 रुपए चालान कटा, ये रही पर्ची 500 रुपए की। सुबह सुबह ही चढ़ावा चढ़ा के आना पड़ गया। चलो कोई नहीं, 500 रुपए में टल गए, ज्यादा ना कटा, अच्छा है। लो जी पहुंच चुके हम, ये रहा बिमरा 4x4। गाड़ी को अपनी लगा देते हैं यहाँ साइड में और चल के पता करते हैं क्या क्या हमने चेंज करवाना है इसमें, ताकि अपनी गाड़ी तड़कती भड़कती बन जाए। गाड़ी शायद से छोड़नी भी पड़ सकती है, कुछ कह नहीं सकते, तो देखते अंदर जाके पता चलेगा सब। गाड़ी भाई अपनी जा चुकी है काम होने के लिए, शाम तक मिलेगी। और मैं अभी ऊपर आ गया था, यहाँ पे काफी सारे भाई सब एलोएस ग्रिल्स और आगे के बंपर वगैरह हैं कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं अनमोल गैराज चैनल के लिए। तो शूट करके फिर यहाँ से कैब करके घर जाऊंगा, क्योंकि शाम को वापस आना पड़ेगा ना, अभी इतनी देर रुकना तो है नहीं वर्थ यहाँ पे। यहाँ देखो भाई हाइलेक्स भी आ चुकी है मॉडिफिकेशन के लिए, रूफ कैरियर वगैरह लगना है, तो बात करते हैं ओनर से, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे जब ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी। चलो जी घर की तरफ निकल गए हम फाइनली, करते करते 1 बज गया, मैं आया था शायद से 11:30 तक, और अब ये कह रहे 5-6 बजे तक गाड़ी ले जाना आप। तो जो जो मॉडिफाई हुई है चीज़ें वो आपको अनमोल के रास्ते दिख जाएगी, बड़ी मस्ती बना रही है। इसको हम ऑफ रोडिंग व्हीकल रखेंगे अब इसको एज अ सेकेंडरी, क्योंकि अपनी X7 आ जाएगी तो उसके बाद वो फिर प्राइमरी रहेगी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, और टियागो अपनी जो है वो सिटी के लिए रहती है, और हल्क को हम रखेंगे सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए। जब जब ऑफ रोडिंग ले जाना हो, उत्तराखंड ले जाना हो, हिमाचल लद्दाख स्पीति, तो उसको ले जाएंगे मस्त बना के बिल्कुल। फिलहाल तो घर चलते हैं फटाफट से, खाना खाने भूख लग रही है। घर आ गए हैं और ये देखो कौन आए हैं। और जी सेल्समैन जी की हाल चाल है, सेल्समैन नहीं हो फिर लग तो रहे हो, शर्ट वर्ट पहन के पूरा ऐसे पैसे ऑफिस वाले देते और घूमते देखो बाहर रहते, ऑफिस तो जाते ही नहीं है। और आज फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं अपने इस गेमिंग रूम में शूट कर रहा हूँ अनमोल जायसवाल का, इस तरह का कुछ एंगल आएगा। यार जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है कि मैं जो फर्स्ट रूम में रहता था ना, वहां से लेकर अभी तक मैं टोटल 4 सेटअप बदल चुका हूँ, और सबका जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम है। मतलब हमेशा ये एल शेप वाला टेबल बनाता हूँ, उसी तरह से एक साइड रहता है प्लेस्टेशन काउंटर, एक साइड रहता है पूरा गेमिंग पीसी का कॉर्नर, नीचे UPS वगैरह, इधर स्टेयरिंग व्हील, तो ये सब कुछ हमारा सेम रहा है। बट अब जो हमने नीचे स्टूडियो बनाया ना बेसमेंट में, वो थोड़ा डिफरेंट बनाया है प्रोडक्टिविटी के मामले में, क्योंकि वहाँ टीम भी बैठेगी अपनी एडिटर्स की और दूसरे कामों के लिए भी, तो इसलिए उनको उस एरिया को वैसे ही डिजाइन करना था। बट अभी इसका ये वाला चल नहीं रहा मॉनिटर, अरे हाँ केबल निकली पड़ी है, मैंने निकाली थी याद आ गया। चलो जी हो जा भाई ऑन, हो गया। आप देखो ट्रिपल मॉनिटर लग रहा है ना तगड़ा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट ठीक करते हैं इसकी, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है क्योंकि। चलो जी डन है, अब फटाफट बैठते हैं और शूट शुरू करते हैं। माइक लगा देते हैं यहाँ पर,
मिलता हूँ आपको 15-20 मिनट बाद। वीडियो शूट डन हो गया है, GTA 5 से रिलेटेड एक वीडियो है जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो अनमोल जायसवाल चैनल पे चेकआउट कर लेना। और अभी मैं यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग चला रहा हूँ, ये देखो क्या मस्त लग रही है ना भाई साहब, होए और भागती भी बहुत है, जैसे इसे रियल में कहते हैं ना क्राउड किलर, वही है भाई, क्योंकि इतनी तगड़ी पावर है इसमें। ओए अबे हट, जो V8 इंजन है संभाली भी नहीं जा रही, इतनी तेज भग रही है। हाँ ये वाला है, इसका एक वो ले आओ डोंगल, ये लगा दो वापस, छोटा सा है बिल्कुल, पीछे की साइड लगाओगा, ये भी दे दो रिमोट। तो कंट्रोलर मंगा लिए, खेलने का मन कर रहा था बहुत, बट अभी भाई ब्रूनो को लेकर जाना है इसकी ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि एक तो बाल बहुत बड़े हुए, नेल्स भी बड़े हुए हैं, तो वो अच्छे से इसका ग्रूमिंग और नेला वेला देंगे बाहर का। अभी के लिए GTA 5 को रोकते हैं, मेरा मन तो बहुत कर रहा है खेलने का, बट ठीक है टाइम नहीं है। चल भाई चल जल्दी चल, वो दे अब खुद ही मुंह में पट्टा लेके खुद ही घुमाएगा अपने आप को, नहीं चलना ओए भालू, चलो 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 Let's go, चलो चले जी ब्रूनो मास्टर। ओ ब्रूनो मास्टर चले इधर देख, बहुत दिनों के बाद जा रहा है ये बाहर, मतलब वैसे तो वॉक पे जाता है रोज, बट चलो जी ब्रूनो महाराज चलिए चलिए भाई सब, जहाँ भी लेकर गए वहाँ तो लूट मचा रखी है। हेयर कट के 2500 रुपए, फिर नेल क्लिपिंग के 150 अलग, नहलाने के 700 रुपए अलग, और क्या था थोड़ी बड़ी ग्रूमिंग के मतलब 5000 रुपए भाई, मतलब 3000 रुपए में तो मैं अपने जिंदगी भर के तो नहीं, जिंदगी भर तो नहीं, 5 साल के बाल कटवा लूँ जिसके, बताओ ये एक एक टाइम के ले रहे हैं, तो बहुत महंगा था ये। अब दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, यहाँ पे भी सस्ता तो क्या ही है तो महंगा ही, बट उससे सस्ता पड़ रहा है, वो जो पूरा पैकेज है वो 5000 में दे रहे थे, ये 3000 में बता रहे पैकेज, फिर भी भाई महंगा तो है ही 3000 रुपए के हिसाब से भी। कोई नहीं, अब कटवाना ही है, हेयर कट तो जरूरी है, बहुत ज्यादा झड़ भी रहे क्योंकि, और साथ ही साथ फिर अच्छे से नेल क्लिप वगैरह भी हो जाएगा। अब असल में ये बड़ा भी हो गया ना, तो वेट वाइज काफी पैसे लेते हैं, पहले जहाँ से हम इसकी करवाते थे वो 2000 रुपए में पूरा पैकेज आते थे। भोगने की आदत पता नहीं कब जाएगी गाड़ी में से, लोगों को देख देख के भोगता है। इधर देख बुना 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 बुना, ओ भाई साहब कौन दिख गया इसे ब्रूनो, यार देखना गाड़ी कैसी तैसी मचा दी पूरी, आए हाय भाई कितने बाल झड़ रहे इसके, देखना ओहो बाल का ही गुच्छे बैठ गए पीछे, तो बैठ जा। तो अभी हम पहुंच तो गए, बट 5-10 मिनट की अभी वेटिंग है, तो थोड़ी देर खड़े रहना पड़ेगा, फिर लेकर जाएंगे अंदर। बैठ जा मेरे बाप, बैठ जा शांति से। ओए होए नीचे तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी गाड़ी साफ करने में ही। ओए चलो जी आ जाओ ब्रूनो, पकड़ लो भाई साहब पकड़ लो, वो दे उसके पीछे पहले भागा भाई साहब, आ जाओ ब्रूनो चलो चलो अंदर, ये लो आजो 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 चलो, अरे अरे ये देख इधर आजा, आजो चलो चलो चलो। जब तक वहाँ पे ब्रूनो की ग्रूमिंग चल रही है, हमने सोचा अंडे खा लिए जाए, बड़े दिन हो गए बॉइल्ड एग खाए हुए, केशव 24/7 गया पानी की बोतल लेने, गर्मी बहुत है भाई साहब। 1 hour later ब्रूनो, ये देखो भाई ब्रूनो रेडी हो गया अपना, 8 कितने बज गए, 8:44 भाई साहब, कहाँ 5 बजे आए थे हम, 4 घंटे हो गए। और ये कुछ गिफ्ट मिले है ब्रूनो को, जो इससे ये घर जाके खेलेगा ना ब्रूनो, ओ भालू चलो फटाफट चलते हैं घर अपने, अभी अभी घर आए और अभी अभी निकल रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ मैं बाइक पे BMW 1250 में, सोचा मोटो व्लॉग भी हो जाएगा। और मेरी बहन के गली में वहाँ पर आया था फालसे वाला, मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था ना आपको, तो आज लिया उसने 1 किलो फालसे, जो मैं एक ही दिन में घटक जाऊंगा। ये मेरी मम्मी को पता था जरूर डायलॉग मारेगी कुछ ना कुछ, तो वो फाल से अब मेरे से वेट नहीं हो रहा लाने का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी चला जाऊँ, पार्थ आएगा साथ में, आ जाएगा ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं यार मम्मी, ऐसी क्या बात होगी, अपने क्या नाती को ऐसे करते हो, अपने घर भी नहीं बुलाते, कैसी नानी हो तुम, मम्मी नानियाँ कहती है कि मेरा नाती आए घर पे। अब कल से घर में थोड़े कम बाल होंगे मम्मी, कुछ महीने भी नहीं, कुछ दिन 20-25 दिन, वैसे हमें इतने करवाने नहीं थे, उन्होंने गलती से कर दिया, हम गाड़ी में बैठे हुए थे बाहर, अभी दिखाता हूँ पहले मैं फटाफट से निकलूँ। तो ये खड़ा है पर्दे के नीचे अपना थोर, एंड न्यू चमचमाता हुआ एकदम, इसका अगर आपने कंप्लीट रिव्यू नहीं देखा ना तो अनमोल के राज पे देख लेना, डिटेल में एक एक फीचर बताया कैसे बाइक सस्पेंशन जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, क्या ये राजमा राइड करके रख लेते कहीं फैल ना जाए टॉप बॉक्स में, तो जहाज है ये बिल्कुल, हमारी जहाज लगती है। जहाज ही लिया ये 35 लाख का हमने, फोन लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि फोन में है चार्जिंग कम, ताकि साथ के साथ ये चार्ज भी होता रहेगा, जब भी किसी 10-15 दिन
दिन की राइड करके आऊँ ना फिर बाइक चलाने का ना थोड़े दिन तो मन नहीं करता, मतलब आसपास चला लो तो कोई नहीं, बट लंबे रूट पे तो ऐसा लगता है भैया ना जी ना बस की नहीं है, स्पेशली गर्मियों में सर्दियों में तो फिर भी चलो मैनेज हो जाता है। लेट्स गो भाई लोग चलते हैं। उधर पापा कमरे में देख रहे हैं मैच बैठ के। अपनी KTM भी चलाया करूँगा यार, बहुत दिन हो गए खड़ी हुई है, बैटरी भी बोल ना गई हो इसकी, तो देखना पड़ेगा, कल स्टार्ट करेंगे उसे। चलो अगर आप चाहते हो कि KTM पे मोटो व्लॉग करे तो इस व्लॉग पे 20,000 लाइक का एम रखते हैं और कमेंट में ही बता देना। और काफी लोग पूछते हैं यार चलते वक्त रात को हजार्ड क्यों ऑन करते हो, तो यार इसमें ना पैनियर्स बहुत बाहर की तरफ निकले होते हैं और जिस जगह पे पूरा गुप अंधेरा होता है ना, चलो यहाँ तो नहीं अभी बंद कर देता हूँ, पर जिस जगह पे बिल्कुल अंधेरा होता है ना वहाँ पे पैनियर्स दिख नहीं पाते पीछे वालों को, जिसकी वजह से लोग ठोक के चले जाते हैं कभी कभी। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, दूसरे राइडर्स के साथ हुआ है, इसलिए मैं हजार्ड ऑन कर लेता हूँ और पैनियर्स के बीच में भी मैंने एक लाइट लगवा रखी है जो हजार्ड ऑन करने से जलने लग जाती है, तो पीछे वाले को ना थोड़ा सा पता चल जाता है। ये ट्रक भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा जी रोड की सफाई चल रही है, क्या बात है, देख लो ट्रक इतनी मेहनत करता है बेचारा साफ करने में और लोग क्या कचरा रोड पे ही फेंक देते हैं। वाह 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 क्या किस्मत है, ग्रीन पे ग्रीन लाइट मिल गई, मजे आ गए भाई, खड़ा नहीं होना पड़ा। रात के 9:30 बजे भी ट्रैफिक मिल रहा है, बताओ चैन नहीं है लोगों को, पूरा दिन भटकते रहते हैं ना। आप कहोगे दूसरों को बोल रहा, खुद भी तो भटकता पूरे दिन बदतमीज। चलो 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 भाई जगह दो हट जो पी 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 अपनी नहीं निकल पाएगी शेट। पहुंच गए लाइए जी, फाल से दीजिए, हमें सब छोड़िए, फाल से कहाँ है, फाल से दिखाइए। ये 1 किलो है पक्का, अगर एक दाना भी कम हुआ तो मेरे फाल से खा गया, उठा इसे उठा के पटकूंगा। चल फिर चल, चलना नहीं है? नहीं यार आज ही चलेगा यार, ना भाई चलेगा तो आज ही, ना चलेगा ना आज, वो देख कह रहा है चलेगा BMW में, घर चलेगा, घर अभी है, चलेगा ना, चल है सुबह आ जाएगा, केशव छोड़ देगा, चलना है ना, चल फिर चल बैठ, 12 बजे 11 बजे छोड़ देगा सुबह पक्का, फिर दोबारा जाएगा, शाम को मैं ले जाऊंगा ना फिर, तू लाए थे? हाँ, तेरे लिए लाया हूँ, तू कह रहा था ना कि मैं भी चलूंगा साथ में, घर पे चल फिर चल, आ बैठ जल्दी बैठ, चलो आज तो मजा आने वाला है, फाल से ही फाल से, आहा ये तो मीठे नहीं लग रहे गिल गिले। चलो जी चलो पाजी बैठो, पहले मेरे को बैठने दे, रुक पकड़ के बैठियो ठीक है, रस्ते में जल्दी चढ़ जा, चढ़ गया जप्पी पाले अब टाइट से जप्पी। चलो जी मिलता हूँ आप लोगों को भी घर पे मैं। A few minutes later. देख रहो घर आते ही हमला बोल दिया मैंने इस पे, मजेदार है यार पार्थ, बहुत ही स्वादिष्ट है, थैंक यू सो मच पार्थ, थैंक यू सो मच। और किस किस के फाल से फेवरेट है बताना कमेंट सेक्शन में। चलो जी ब्रूनो के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं जो वहां से मिला इसे, ओ ट्रीट्स भी मिली है ब्रूनो, आज तो मजे ही मजे, देखना कितने छोटे कर दिए, ऐसा लग रहा है वो बन गया हो, बैल से पतली सी बकरी बन गया हो। ये लो जी ये लो, तो ये एक बॉल है जिससे ब्रूनो खेलेगा, ये इसे दिया है पतले वाले चिकन मिल्की स्टेक, तो ये भी ट्रीट सी है, पेडिग्री का एक ग्रेवी का पैकेट और एक ये हड्डी, इससे खिलाते इसको। चलो ले ब्रूनो ये ले। चलो ये डाल दो बाकी सामान, ब्रूनो हड्डी, ब्रूनो हड्डी, गिली 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 खा जा, अभी चूंगेगा 10 मिनट तो पहले। ये हुई ना बात भालू, अब कल अच्छे से सफाई करवाना आंटी से, बाल वाल जितने हैं घर में सब निकल जाए ठीक है ना, अब क्योंकि उड़ेंगे ही नहीं, बाल ज्यादा बचे ही नहीं, और पूछ देखो कैसी बना दी शेर जैसी, शेर की होती है ना वैसी, ज्यादा छोटे कर दिए भाई, ज्यादा छोटे कर दिए। चलो जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।